राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैम आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो भक्तों, जैसे लड्डू गोपाल जी के कान होते हैं और राधा रानी की मतलब जैसे नोज वगैरह में होल होते हैं, क्या नहीं? सभी में नहीं होते, मगर जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं इनके दोनों कानों में होल है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों कानों में होल है और राधा रानी की नोज में होल नहीं है। तो हम इनको नथ कैसे बनाएं? तो आज की वीडियो वही है कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी या फिर राधा रानी के कान में होल नहीं है या फिर नाक में होल नहीं है, तो हम इनको कानों के जो इयररिंग पहनाते हैं वो कैसे पहनाएं और नथ वगैरह हम कैसे पहनाएं। तो आज की वीडियो वही है। तो चलते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, एक तो जो लड्डू गोपाल जी की शॉप होती है, आप वहां पे जाके या तो एक वैक्स आती है चिपकाने की, वो ले सकते हैं, या फिर मेरी भी खत्म हो रही है तो इस तरह की ग्लू टैग होती है। तो आप ये देख सकते हैं, चिंगम की तरह होती है ये, और ये रैपर में लिपटी हुई होती है इस तरीके से। तो मेरी थोड़ी सी रह रही है, ये खत्म हो चुकी है। इस तरीके की होती है ग्लू टैग और एक वैक्स होती है। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो इयररिंग हमें कैसे बनाने हैं, थोड़ा सा ये ग्लू टैग है तो हमें लड्डू गोपाल जी के कानों पे लगाना है, या फिर आप डायरेक्टली जो इयररिंग पहनाएंगे ना उस पे भी लगा सकते हैं। तो भक्तों, एक तो देखो आप ये वाले इयररिंग है, इसमें डंडी नहीं है पीछे। एक तो ये वाले इयररिंग है, इसमें डंडियां नहीं है पीछे। इस तरीके के भी आते हैं, और एक ये डंडी वाले जो सबको ही पता है, डंडी वाले आते हैं। तो हम ये वाले चिपकाएंगे क्योंकि जिनके कानों में होल नहीं है तो हमें सिर्फ इस तरीके के ही लाने पड़ेंगे। अगर डंडी है तो आप उसको पीछे से तोड़ सकते हैं, वरना आप ऐसे ला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हमें बिना डंडी वाले चाहिए, तो आप ऐसे ले सकते हैं। तो मेरे तो लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के सभी के कानों में होल है, सिर्फ नोज में होल नहीं है, तो वो मैं चिपका देती नोज। तो ये इजीली आप ये देख सकते हैं, ये इजीली चिपक गए हैं, ये चिपक गए। और ऐसी हमें इनकी बिंदी वगैरह भी चिपकानी है तो थोड़ा टाइम तक चल जाती है वो बिंदी, आप ऐसी ही इनकी बिंदी भी चिपका सकते हैं। तो ये इजीली चिपक गए हैं। अगर होल वाले, सॉरी, जिनके कानों में होल है, अगर आप पीछे से उनकी पेच वगैरह नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें भी इस तरीके की ये जो चिंगम होती है, जो होती है ग्लू टैग या फिर वैक्स लोगे आप, उसमें इस तरीके से ये लगा लें तो आप इस तरीके से इनको भी पहना सकते हैं। ये वैक्स हटा लें यहाँ से, और मैंने इयररिंग में लगा दिए, वो लगाने की जिनकी कैप होती है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से, मैंने दोनों ही तरह के बता दिए आपके जिनके कानों में होल है। अगर आप पेच नहीं लगाना चाहते इनके तो आप अगर इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इजीली ये ऐसे पहनाए जाते हैं, क्योंकि हम पीछे से इनकी कैप वगैरह लगाते हैं तो थोड़ी कई बार दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादातर इनकी पीछे से कैप नहीं लगाती हूँ, इसमें ग्लू टैग लगा के और इस तरीके से लगा देती हूँ। रानी के कानों में भी होल है, नोज में होल नहीं है, मगर शायद अब आने लगे हैं, पता नहीं। मेरे को एक दो जनों ने बोला भी है कि मैम हमारे राधा रानी की नोज में होल है, आपकी में है या नहीं है? तो मेरी राधा रानी के नहीं है, तो मैं तो ये ग्लू टैग लगा के ही लगा देती हूँ। कानों में होल है तो मैं कानों में इस तरीके के भी बिना डंडी के भी पहना देती हूँ, और डंडी वाले दोनों ही आ जाते हैं क्योंकि होल है, इसलिए डंडी वाले भी आ जाते हैं। अब नोज में भी मैं क्या करती हूँ, बहुत से पूछते हैं मैम हम नथ कैसे पहनाए राधा रानी को, हमारी राधा रानी की नोज में होल नहीं है। तो आप ये, एक मिनट, तो मैं ये नथ ले लूंगी और नथ पे लगा लेंगे ग्लू टैग, या फिर आप नोज पे भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और हमारी राधा रानी की यहाँ पे हम नथ चिपका देंगे। तो ये हमने नथ लगा दी है,
अगर आपको नथ के ऊपर जैसे ये ब्लू टैग दिख रहा है तो इसको छुपाने के लिए हम एक स्टोन वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने ये प्लेन स्टोन ले लिया है, चाहे तो आप इस तरीके की बिंदी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप ये बिंदी भी ले सकते हैं इस तरीके की, या फिर ये स्टोन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ये नथ लगाई है तो नथ के ऊपर हम ये स्टोन लगा देंगे ताकि ये दिखे ना, जो हमने ग्लू टैग लगाई है। और ये नथ आ जाएगी, इनके बाल लगा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया। रानी के बाल लगा देती हूँ, तो हमने ये राधा रानी के बाल लगा दिए हैं। और इसमें ये जो नथ होती है इसमें हुक दिया ही होता है, तो इसको हम बालों में टक कर देंगे। अरे किसका गिर गया, सीधी स्टोन क्यों नहीं आ रहा, दिख क्यों नहीं रहा मेरे को। तो आप अपने हिसाब से नथ थोड़ी ऊंची नीची रख सकते हैं, और अपनी जैसे राधा रानी है तुम्हारी उस हिसाब से नथ ला सकते हैं। छोटी बड़ी सब तरीके की मार्केट में मिली जाती है नथ। तो ये हमारी राधा रानी की नथ हो गई है, और अब लगा देते हैं इनके ये बिंदी। और बिंदी में भी आप ग्लू टैग वगैरह लगा के लगाएं तो जल्दी से छूटेगी नहीं। आप चाहे कोई सी भी बिंदी लगाएं, जैसे हम लोग लगाते हैं वो पत्ते आते हैं बिंदी के वो, वरना इस टाइप की जो ये बिंदी होती है स्टोन वाली, लड्डू गोपाल जी की शॉप पे मिल जाती है इजीली। आप बोलोगे वहां पे तो इजीली ऐसी बिंदी, ये तिलक वगैरह उनकी शॉप पे मिल जाते हैं। तो ये हमने बिंदी लगा दी है। तो भक्तों मेरे को आपको ये करके दिखाना था कि लड्डू गोपाल जी को हम नथ राधा रानी को हम नथ कैसे पहनाए, इयररिंग कैसे पहनाए, होल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो भक्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो आप बताना कमेंट में। अब वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। और भक्तों मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, वहां पे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की मैं वीडियो डालती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे को आप ऐसे ही अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे वीडियो के, तो मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी। तो वीडियो करते हैं एंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।